स्टूडेंट्स, आज हम पाठ पांच पढ़ेंगे। हार जो जीत से अधिक शानदार थी। अपनी मातृभूमि सबको प्राणों से प्यारी होती है। अपनी मातृभूमि सबको प्राणों से प्यारी होती है। मातृभूमि के अपमान की तो बात ही क्या, उसको अपमानित करने का कोई झूठा नाटक भी स्वाभिमानी देशभक्त के लिए असह्य होता है, यानी जिसे वो सह नहीं सकता है, असहनीय। मध्यकाल में बूंदी के हारा राजपूतों के आत्मगौरव का ऐसा ही एक हृदय स्पर्शी यानी हृदय को छूने वाला प्रसंग, जिसमें अपनी मातृभूमि को पद दलित करने का अभिनय, पद दलित यानी हारा हुआ महसूस करने का, हारा हुआ जानने का अभिनय कर किए जाने पर ही क्षुब्ध होकर स्वाभिमानी हारा राजपूत हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर देते हैं। तो आइए इस हारा राजपूतों की आत्मगौरव की कहानी को हम आपको बताते हैं। आजादी किसी प्रिय नहीं होती, मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते, पराधीन यानी दूसरों के अधीन, दूसरों के कैद में। लेकिन कभी कभी इस प्रिय आजादी की रक्षा के लिए प्राण भी निछावर करने पड़ते हैं। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी, वहां के वासी थे आजादी के परवाने हारा जाति के राजपूत। परम वीर, नितांत स्वाभिमानी, अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए हरदम मर मिटने को तैयार। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। वो हारा राजपूत कितने वीर है, इसकी परीक्षा की घड़ी भी आन पहुंची। चित्तौड़ की महाराणा ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा। बूंदी के हारा राजपूतों ने डटकर युद्ध किया। राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। बूंदी की छोटी सी रियासत के उस जाबाज, जाबाज यानी साहसी, जो जान की भी बाजी लगा सके, सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चढ़ा दी, यानी बुरी तरह से हरा दिया। इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला उठे। वे क्रोध में आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे, जब तक बूंदी को हराऊंगा नहीं, बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा, तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगा। बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे चुटकियां बजाते तो जीता नहीं जा सकता था। जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ा। यानी जल्दबाजी में उसे तो जीतने की जल्दी थी, क्योंकि राजा ने प्रण किया था कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा, तब तक मैं पानी का एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। इसलिए जल्दबाजी में दोबारा आक्रमण किया गया, लेकिन फिर उस युद्ध में भी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। पूरी तैयारी और युद्ध में काफी समय लगने की संभावना थी। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा का क्या हो? राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिलवर भी डिगने को तैयार न थे। सोच विचार के बाद एक मंत्री को एक उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे, फिर अंजल ग्रहण कर ले, बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला जीता जाए। यह उपाय सबको पसंद आया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हारा सैनिक, जो राजपूत हारा सैनिक था, वो जंगल में शिकार खेलकर लौट रहा था। किला बनते देखकर वह ठिठक गया। ध्यान से देखकर बोला, आहा, कितनी सुंदर कारीगरी है, ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा। यानी परकोटा उसको कहते हैं जो किले की रक्षा के लिए काफी ऊंची ऊंची चार दीवारी बनाई जाती है, उसी को परकोटा कहा जाता है। वैसे ही बुर्ज, बूंदी के किले की हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम है। यह कहकर उसने उस किले को अत्यंत सम्मान से सिर झुका लिया। वो नकली किला बन रहा था, उसको भी देखकर जो हारा सैनिक है वो सम्मान से सिर झुका लिया उसको देखकर, और उसने उसे प्रणाम किया। लेकिन सैनिक का कुतूहल शांत नहीं हुआ। उसने मन में प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का यह नकली किला यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। वो यही सोच रहा था
कि ये जो नकली किला है यहाँ क्यों बनवाया जा रहा है। वह अपना कुतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचा। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। बातें सुनते ही उस सैनिक की पेशानी पे बल पड़ गए। पेशानी यानी माथा, पेशानी पे बल पड़ गए। वह विद्युत गति से वहां से निकल आया। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गई, आंखें लाल हो गई, बाहें फड़कने लगी। उसका ओजस्वी स्वर फूट पड़ा। यह नहीं हो सकता मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। जानते हैं कौन था वह सैनिक, कौन था वह वीर? यह था वीर हारा राजपूत कुंभा। इसकी मातृभूमि थी बूंदी, पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था। बूंदी के कुछ और हारा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे। परम भक्त, सभी परम स्वामी भक्त, परम वीर, ये सभी राणा के लिए हरदम मरने मिटने को तैयार थे। पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक इनके लिए अत्यंत असह्य था, यानी जिसे सहा नहीं जा सकता है। सब चित्तौड़वासी इन हारा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। योजना अनुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े। एकदम निश्चिंत, जीत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त, क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं, युद्ध का नाटक ही तो होना था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे। यानी यहाँ पे किला तो नकली बना ही था, बूंदी के सैनिक भी नकली बनाए गए थे, जिन्हें कहा गया था कि हल्के फुल्का प्रतिरोध करना और उसके बाद वो हथियार डाल देना। लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछारों का सामना करना पड़ा। तीर ठीक लक्ष्य साधकर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था, यानी अचानक से था, ऐसा तो कुछ था नहीं। उन्हें तो मालूम था कि यह सारा कुछ नकली हो रहा है और इसमें असली जैसा कुछ भी नहीं था। कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। तभी अंदर से हारा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जन सुनाई दिया। सिंह गर्जन यानी शेर की तरह गर्जना, उसकी तरह आवाज निकालना। सेनापति जी, खबरदार, पीछे हटिए, हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। अच्छा कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए बनाया गया नकली किला है। बात समझो और एक तरफ हट जाओ। सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। मातृभूमि नकली भी होती है, यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक है, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं, पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते और कदापि सहन नहीं करेंगे। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चा बंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हारा राजपूतों में से कोई तिल भर भी डिगने या झुकने को तैयार नहीं हुआ और अंत में युद्ध हुआ। एक बेमेल मुकाबला, एक ओर चित्तौड़ के राणा के हजारों सैनिक और दूसरी ओर हारा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली, जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए हुए उसकी रक्षा करती हुई मर मिटी। जब तक एक भी हारा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया। राणा जीता, कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं, लगता ऐसा है जैसे राणा जीतकर भी हार गया
और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। सचमुच कोई कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार तथा उसका आत्मबलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? तो बच्चों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि अपनी मातृभूमि सबको प्राणों से प्यारी होती है। मातृभूमि के अपमान की तो बात ही क्या, उसको अपमानित करने का कोई झूठा नाटक भी स्वाभिमानी देशभक्त के लिए असह्य होता है। मध्यकाल में बूंदी के हारा राजपूतों के आत्मगौरव का ऐसा ही एक हृदय स्पर्शी ये प्रसंग जिसे मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी मातृभूमि को प्रतिदलित करने का अभिनय किए जाने पर ही छूट होकर स्वाभिमानी हारा राजपूत हंसते हंसते अपने प्रावन निछावर कर देते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे हारा राजपूत कुंभा ने किया। तो बच्चों, आप इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, चिंतन मनन करके इस कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी कॉपी में लिखकर उसे भी कंठस्थ करिएगा।